एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ, बहुत ही अयम्बी प्रश्न है जो मैंने अपने हिसाब से टॉपिंग करके बनाया हुआ आपके लिए आंसर है और बहुत ही सुटेबल आंसर है। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेते हैं। अपने प्रचार महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब देखिए, आपका जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब सॉरी TC मांगने के लिए, ठीक है, जो TC है आपका उसे मांगने के लिए आपको क्या करना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल आप एक काम करेंगे, पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए फटाक से क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो क्वेश्चन अपना है, पहला था, आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन या प्रार्थना पत्र। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सेवा में, श्रीमान प्राचार्य महोदय अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे, यहाँ पे कोई विद्यालय का होगा नाम, जैसे भी आपका विद्यालय है जो भी है, जहाँ पढ़ रहे हैं आप वहाँ विद्यालय का नाम, और यहाँ अपने शहर का नाम लिख देंगे, ठीक है, पिन कोड वगैरह लिख देंगे। और यहाँ पे आपको विषय में क्या लिखना है देख लीजिएगा, विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, विषय में लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय तक तो हो गया। आगे क्वेश्चन में लिखना क्या है ये पूर्ण रूप से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फटाक से आ जाते हैं, मैं इसको शायद जूम आउट ना करूँ, इतने में दिख लीजिए, पहले देख लीजिए। सबने नम निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, जो भी हैं छात्र हैं या छात्रा हैं, ठीक है, मेरे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ, ठीक है, मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर के लिए हुआ है। मतलब पिताजी पहले यहाँ पढ़ा रहे थे, उनका अब जॉब इंदौर में मिल लग चुका है। ठीक है, अपना अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र या TC की आवश्यकता है, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की कृपा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन था और 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, इतना लिखने में आपको 4 नंबर मिलना है और उसको टेबल लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से फटाक से लिखेंगे, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर के लिए हुआ है, मैं अपना अध्ययन या अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र या TC की आवश्यकता है, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, ये पूरा पूरा लिखने पर आपको पूरा नंबर 4 में से 4 नंबर मिलने हैं, 100% श्योर, 100% क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे चीज़ हो जाता है, यहाँ पे अपना लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, ठीक है, लड़की है या लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे कक्षा अपना नाम लिखेंगे, आकाश पटेल, कक्षा कक्षा 10वीं या 9वीं है, या फिर दिनांक जो आज का है, TC लेने की तिथि। तो आई होप यहाँ से पूरा का पूरा पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आसानी से चाहे तो लिख सकते हैं, रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह क्वेश्चनों के आंसर तैयार कर सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों मैं बता दूं, इसी तरह मेन मेन क्वेश्चन मैं तैयार करवा रहा हूं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, फटाफट क्वेश्चनों का आंसर ले लेकर के मैं आता जा रहा हूं डेली बाई डेली।